जगत जननी मां भगवती मुंबा देवी की कृपा और सिद्ध विनायक गणपति की आशीर्वाद की भूमि मुंबई में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज प्रातः काल से ही मैं महाराष्ट्र के पंचम चरण में होने वाले चुनावों के लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के समर्थन में श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी के साथ अलग अलग चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए आ रहा हूं। पूरे देश के अंदर जो माहौल है, पूरे देश के अंदर जो स्वर है, पूरे देश के अंदर जो नारे गूंज रहे हैं, वही उत्साह जो यूपी में है, वही उत्साह जो उत्तराखंड में है, जो बंगाल में है, जो ओडिशा में है, जो असम में है, जो कर्नाटक में है, वही उत्साह मुझे महाराष्ट्र के अंदर भी देखने को मिला है। और चारों ओर एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार और अब की बार। बहनों और भाइयों, जब ये नारा हम लोग लगाते हैं और जनता जनार्दन चिल्ला के 400 पार की बात करती है तो कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के सभी दलों के नीचों की जमीन खिसक जाती है। वे घबरा जाते हैं, क्या हो रहा है। वे पूछते हैं जनता जनार्दन से कि 400 पार कैसे। तो जनता जनार्दन कहती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यूपी में तो नारा गूंजता है। मैं दक्षिण भारत में भी गया था, पूर्वी भारत में भी गया था और आज मुझे महाराष्ट्र में भी सुनने को मिला है कि राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के। तो बहनों और भाइयों, यह चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में आकर के अब सिमट गया है। जो राष्ट्रभक्त है वही राम भक्त है और जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त है। और देखो, एक राष्ट्रभक्त आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनकर के उत्तर मध्य मुंबई से भी इस उज्ज्वल निगम के रूप में आपके बीच में आए हैं। बहनों और भाइयों, आप याद करिए मुंबई के उस खतरनाक हमले को, जिस हमले ने यहां पर सैकड़ों लोगों का तात किया था, जिसने हेमंत करकरे को शहीद किया था, जिसने हमारे इस मुंबई एटीएस के उन बहादुर अधिकारियों को, जिन्होंने बलिदान किया था, आज कांग्रेस बेशर्मी के साथ उन बहादुर अधिकारियों की शहादत पर, उनके बलिदान पर प्रश्न खड़ा करके कसाब जैसे कसाई को महिमामंडित करने का कार्य कर रही है और उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम किया था श्री उज्ज्वल निकम ने। बहनों और भाइयों, इस प्रकार के जब ब्रिलियंट प्रोसिक्यूटर जब भारत की न्यायपालिका के साथ जुड़ते हैं तो न्यायपालिका का गौरव भी बढ़ता है और तब ये माफिया और आतंकवादी जितने भी हैं इनके पैर कांपते हैं, इनको इनके किए की सजा मिलती है और मुंबई के हमलों के गुनाहगारों को उनकी उचित सजा दिलाने वाला
भारत माता के सपूतों को न्याय दिलाने वाला, मुंबई के साथ न्याय करने वाला, अपनी जान को जोखिम में डाल करके उन अपराधी और उन माफियाओं के खिलाफ, उन देशद्रोहियों के खिलाफ, जिस मजबूती के साथ उज्जवल निगम ने उस समय इस लड़ाई को लड़ा था, आज वो हम सबके सामने है। दोबारा मुंबई पे कोई आतंकी हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया है। वैसे भी अब तो ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है, सुरक्षित भी है और साथ साथ विकास भी कर रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ा रहा है। याद करिए, पहले दुनिया के अंदर भारत का सम्मान लगातार घट रहा था, सीमाएं सुरक्षित थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था और जब भी कहा जाता था कि आतंकवादी हमले कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार से कहा जाता था तो कांग्रेसी क्या कहते थे, कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। और अब तो बहनों और भाइयों, एक पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मैंने नहीं किया हमला, उसको पता ही नहीं कर रही है दीपावली हो रही है, पटाखे आतिशबाजी हो रही है, लेकिन जोर से पटाखा फटता है क्योंकि उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये नए भारत में सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, विरासत और विकास का अद्भुत संगम है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया है, आप कांग्रेसियों को इसमें भी चिढ़ है, कांग्रेसियों को यह भी चिढ़ है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्यों हो गया। हम कहते हैं देखो, उत्तर प्रदेश में तो इनके अलग अलग बयान आ रहे हैं, कोई कहता है यूपी में कि राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता राम मंदिर भारत में नहीं बनना चाहिए था। मैंने कहा देखो, मोदी जी के नेतृत्व में हमें राम मंदिर जहां बनाना था हमने बना दिया है, जन्मभूमि में बनाना तो बनाना बना दिया। मैं कांग्रेसियों से कहता हूं भाई, आपको मौका है, आप भी इटली में एक राम मंदिर का निर्माण करा दीजिए। और राम मंदिर से चिढ़ है तो वहां बजरंग बली का ही एक मंदिर बना दीजिए। लेकिन बहनों और भाइयों, भगवान इनको सद्बुद्धि नहीं देंगे। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर को धुलवाएंगे। अरे रामलला ने वहां लायक तुम्हें छोड़ा ही नहीं कि तुम सत्ता में आ पाओगे, क्योंकि तुम तो राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वाले हो, भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने वाले हो, इसलिए तुम्हें मौका नहीं मिलने वाला है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, राम भक्तों राम द्रोहियों के बीच के इस चुनाव में जो राम भक्त है वही राष्ट्रभक्त भी है, और जो राष्ट्रभक्त है वही विकास भी करेगा, सुरक्षा भी करेगा, आपकी पैरवी भी करेगा। और उज्जवल निगम तो बहनों और भाइयों, आपके विकास की पैरवी वैसे ही करेंगे, 100% गारंटी, मोदी की गारंटी को जमीनी धरातल उतारने का काम करेंगे। इसीलिए हम लोग आए हैं आपसे अपील करने के लिए। मैं आपसे अपील करूंगा, 20 मई को इलेक्शन है, 20 मई के इस इलेक्शन में भाजपा के प्रत्याशी श्री उज्जवल निकम जी को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, हाथ खड़े होते हुए दिखने चाहिए भैया, आपकी आवाज हो सकता है मंच तक उतनी देर तक तो कुछ देर में आने में लगे, लेकिन आपके हाथ उठेंगे तो मुझे दिखाई देगा। करेंगे कमल चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट, मोदी जी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने में योगदान देगा। और मोदी जी को मिलने वाला कमल चुनाव चिन्ह पर एक एक वोट, ये कांग्रेस के अंदर इंडी गठबंधन के अंदर जो ये औरंगजेब की आत्मा घुस गई है इसको समाप्त करने में योगदान देगा।
भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने में योगदान देगा। आप सहमत हैं? विकसित भारत बनना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। और अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया है, और अब तो मथुरा की तरफ हम लोग जा रहे हैं। सहमत है ना? सहमत है ना? तो कृष्ण कन्हैया भी अब इंतजार नहीं करने वाले हैं। सहमत हैं? तो बहनों और भाइयों, विरासत और विकास के अद्भुत संगम को मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने के लिए मैं आया हूं। सभी लोग कमल चुनाव चिन्ह पर से उज्जवल निगम को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील कर रहा हूं। आप ऐसे कितने लोग अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद कितने लोग अयोध्या गए हैं? और मैं फिर आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं, उज्जवल निगम जी को सांसद बनाइए। और मैं फिर उनसे कहूंगा कि अपने यहां के जितने भी एमएलएज हैं उनके साथ में यहां की जनता जनार्दन को ट्रेन बुक करके अयोध्या आइए, अयोध्या की सारी व्यवस्था हम लोग देखेंगे। रामलला का दर्शन भी करिए, कृपा भी प्राप्त करिए, और आज की आधुनिक अयोध्या को भी देखिए। और आप तो डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को और सत्यपाल सिंह जी को बोल देंगे, स्वयं ही आपका काम कर लेंगे। बहन और भाइयों, आप सब एक साथ मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जै जै श्री राम।